अच्छा तो भाइयों, हमने लास्ट फॉर लूप का सिंटैक्स पढ़ लिया था। अच्छा, कोई मुझे आप में से खड़ा होकर ज़रा ये ड्राई रन करके बता देगा ये कैसे चलेगा लूप? जी भाई, आप में से कौन ये वाला कोड मुझे ड्राई रन करके दिखा सकता है? ये जस्ट आई प्रिंट हो रहा है। अच्छा, और इसको मैं वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, उसको मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि शॉर्ट हो जाए, ड्राई रन बहुत लंबा ना हो। 0 और 1 और 2 तो प्रिंट होगा। इस कोड को ड्राई रन करना है। सबसे पहले क्या देखेगा जब इस लाइन में पहुँचेगा आपका कोड, तो सबसे पहले क्या देखेगा? फॉर का कीवर्ड देखेगा, और फॉर का कीवर्ड देखने के बाद क्या करेगा? एक एक करके बताओ। सबसे पहले ये इसके फॉर लूप अब शुरू हो चुका है, तो 3 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन। अच्छा, इसका बाय द वे वैसे कोई नाम नहीं है, लेकिन वैसे ही इसको हम इनिशियलाइजेशन पार्ट कह रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर इस जगह पर इनिशियलाइजेशन की जाती है, ठीक है। लेकिन बुक्स में इस पार्ट का कोई ऐसा नाम नहीं है। ये फॉर लूप पूरा एक मतलब एक पूरे को मिला के एक फॉर लूप कहलाता है। अच्छा, जो सेकंड वाला पार्ट है उसका, उसको क्या कहते हैं? कंडीशन चेकिंग वाला पार्ट कहते हैं, ठीक है। और थर्ड वाला जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यहाँ पे आमतौर पे किया जाता है। अच्छा, तो इन तीनों पार्ट में से सबसे पहले कौन सा चलेगा? इनिशियलाइजेशन चलेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अब कंडीशन ट्रू फॉल्स पे क्या होगा? अगर ट्रू होती है कंडीशन तो बॉडी को एक दफ़ा ये रन कर देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार रन कर देगा। अच्छा, बॉडी को जब ये रन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? कॉन्सोल डॉट लॉग में आई प्रिंट हो जाएगा। आई में इस वक्त क्या मौजूद है? 0 मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये बॉडी जब पूरी रन हो जाएगी तो लास्ट में क्या करेगा ये? ठीक है, इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पार्ट को एक बार रन कर देगा, जिससे कि क्या होगा? आई में 1+ हो जाएगा। माइनस भी कर सकते हैं हम, लूप को रिवर्स में भी चलाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आके एक आइट्रेशन इसकी कंप्लीट हो गई। अब अगली आइट्रेशन कैसे शुरू होगी? डायरेक्ट कंडीशन को चेक किया जाएगा। अच्छा, और कंडीशन को चेक करने के बाद अगर ट्रू होता है तो क्या करेगा ये? बॉडी को एक दफ़ा और रन कर देगा, ये कंडीशन चेक करेगा दोबारा से अगली आइट्रेशन में, और बॉडी को रन कर देगा। अच्छा, बॉडी को रन करने के बाद फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और इस पॉइंट पे आके इसका सेकंड आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड आइट्रेशन में क्या होगा? कंडीशन चेक होगी। अब आई में इस वक्त क्या हो चुका है? 2 हो चुका है, ठीक है। क्या ये कंडीशन अभी भी ट्रू है? हाँ, तो ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा? बॉडी एक दफ़ा और रन हो जाएगी। अच्छा, और बॉडी रन होने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे दोबारा लग जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी आइट्रेशन हो गई? तीसरी आइट्रेशन कंप्लीट हो गई, और इस वक्त आई में 3 हो चुका है ये प्लस होने की वजह से। क्या ये कंडीशन अभी भी ट्रू है? अभी ये फॉल्स है। अब ये क्या करेगा? अब ये नीचे का तमाम कोड स्किप करेगा और लाइन नंबर 19 में डायरेक्ट आके गिरेगा, ठीक है। इसके आगे अगर कोई कोड हुआ तो रन करेगा, अगर इसके आगे कोई कोड नहीं हुआ तो प्रोग्राम हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये फॉर लूप के चलने में किसी किस्म का कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी बात जो लास्ट क्लास में मैंने की हो और आपको समझ में ना आई हो, या घर जाके प्रैक्टिस करने में कोई ऐसा आपके जहन में सवाल आया हो? यानी क्या खुल जाता है हमारे पास, बंद कैसे किया जाएगा? ये मैं कहीं भी कर्सर ऐसे लेके जाता हूँ ना, ये खुद ही पता नहीं ओपन हो जाता है। पता नहीं क्या इंस्टॉल कर लिया मैंने ये। अच्छा, अब नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा, पहले आ रहा था। पता नहीं अपनी मर्जी से ही ना खुद ही बार बार आना शुरू हो जाता है। ये एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल किया उसकी वजह से आ रहा है। वेल, तो इसमें किसी का कोई सवाल? अच्छा, इस चीज में किसी का कोई शक तो नहीं है कि ये बॉडी को चलाने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा? क्योंकि आमतौर पे मैंने भी जो पढ़ा है, बुक्स में भी जो लिखा हुआ होता है आमतौर पे, कि ये तीनों सीक्वेंस से होगा, लास्ट में बॉडी चलेगी, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है।
हर लैंग्वेज में ये इसी तरह चल रहा होता है, तो इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आगे जाके ना अगर कोई क्वेश्चन है तो आगे जाके वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज़। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अब हाँ अगर हम कोई भी एक पार्ट फॉर लूप के अंदर अगर हम उसको प्रोवाइड ना करें हाँ तो क्या होगा? हाँ हम उसी की तरफ अब आ रहे हैं। अच्छा जैसा कि ये तीनों पार्ट ना, ये तीनों ऑप्शनल है, ये तीनों जो है वो क्या है, ऑप्शनल है। हम तीनों पार्ट्स को ना दें तो भी ये चलेगा। ये तो हमने बेसिक फॉर लूप अभी समझा है ना, अब हम फॉर लूप के ना इन डेप्थ अब जा रहे हैं कि फॉर लूप में इन डेप्थ अब क्या क्या चीज़ें अंदर करेंगे। मिसाल के तौर पर कोई पैरामीटर ना दें, कोई उल्टा दे दें, कोई सीधा दे दें। जी अच्छा, फंक्शन तो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है इस क्लास में भाई। देखो अच्छा, मैं वैसे आपका सवाल का जवाब दे देता हूँ। ग्लोबल वेरिएबल ना अगर आप कहीं पे भी लेट करके आप बनाते हैं ना, लेट ए इक्वल्स टू 5, तो ये ए जो है ये क्या है, सॉरी ये तो मैंने स्क्रिप्ट के टैग से ही बाहर बना दिया ना, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आप ये बनाते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, लेकिन क्या ये रियली ग्लोबल है, तो ये हम डिस्कस करेंगे जब हम फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो स्कोप ऑफ वेरिएबल हम उस वक्त डिस्कस करेंगे कि स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है। वेल ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है ये आपके पूरे के पूरे कोड में, चाहे आपका कोड जितना भी लंबा हो, किसी भी कॉर्नर में आप इसको एक्सेस करेंगे तो ये मिल जाना चाहिए आपको। ठीक है, चाहे वो कोई फंक्शन हो, उसकी बॉडी हो, चाहे एफ एल्स की बॉडी हो, मिल जाना चाहिए। लेकिन समटाइम वो नहीं भी मिलता। मिसाल के तौर पर उस फंक्शन के अंदर इसी नाम का एक दूसरा वेरिएबल उसमें बना हुआ है, तो फिर वो मिलेगा आपको, ये नहीं मिलेगा। तो खैर ये डिटेल डिस्कशन है स्कोप ऑफ वेरिएबल, ये हम फंक्शन पढ़ते वक्त हम कोशिश करेंगे इसको कवर करें। अच्छा तो ये भी जो लेट करके मिल रहा है ना, ये भी एक वेरिएबल बन रहा है। अच्छा तो ये वेरिएबल बनाना, यहाँ फॉर लूप ना कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, आपकी आसानी के लिए इस तरह बनाया गया है। अच्छा अगर आप यहाँ पे ये ना बनाए ना वेरिएबल, खाली छोड़ दें, तो फॉर लूप को कोई मसला नहीं है। ये मैं वेरिएबल बाहर बना देता हूँ, बाहर बना दिया मैंने, तो ये वेरिएबल बना हुआ होना चाहिए जस्ट। ठीक है, अच्छा और ये जो पहला वाला पार्ट है ना, इसमें ज़रूरी भी नहीं है कि आप इनिशियलाइजेशन करें, आप कुछ और कंसोल डॉट लॉग लगा दूंगा मैं यहाँ पर कंसोल। ठीक है, पहले पार्ट में मैं कुछ भी लिख दूँ ये उसको मसला नहीं है। मैंने कहा कि इनिट इसमें लिखवा दिया मैंने। अच्छा उसको मैं लाइन थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। अच्छा लूप के ना तीन कंस्ट्रक्ट हैं, नंबर एक फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। हम सिर्फ फॉर लूप कवर करेंगे इस कोर्स में, क्योंकि फॉर लूप से वो सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, वाइल डू वाइल वो ऐसे ही पता नहीं क्यों हो रहा, वेल उसकी ज़रूरत पड़ती होगी लेकिन मुझे तो नहीं पड़ी आज तक, मेरे सारे काम फॉर लूप से हो जाते हैं। ठीक है, फॉर लूप के अलावा एक मैप है, वो जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक है। मैप सिर्फ जावा, फॉर लूप तो जनरल है, हर लैंग्वेज में होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैप एक चीज़ है वो बड़ा यूज़ होता है, तो वो कवर करेंगे। तो दो तरीके हम देखेंगे लूप चलाने के, फॉर लूप और मैप। अच्छा वाइल और डू वाइल बहुत ही ईजी है, आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, कोई इतना उसमें बड़ी बात नहीं है। अच्छा मैं तो मैंने ये कहा कि सबसे पहले ये चलेगा ना जब इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट, तो ज़रूरी नहीं है कि इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट में मैं वेरिएबल ही डिक्लेयर करूँ या वेरिएबल को इनिशियलाइज, मैं कुछ भी लिख दूँ या कुछ ना भी लिखूँ, खाली छोड़ दूँ, दैट्स परफेक्टली फाइन फॉर फॉर लूप। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल कहीं और बना दिया, इसके अंदर मैंने कुछ और लिख दिया, इसको चला के देखते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं करता, ये तो नहीं कहता कि यार क्या लिख दिया आपने। ठीक है, देखो जो कंसोल पे प्रिंट हुआ है ना, कैसे हुआ, पहले इनिट लिखा हुआ आया, उसके बाद 012 लिखा हुआ गया। जाहिर है जब लूप चलाया तो पहले ये इनिट वाला पार्ट सब में पहले चला है, सबसे पहले ये इनिशियल पार्ट चला है, तो ये लिखा हुआ गया। ठीक है, तो हमने ये देखा कि पहला वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल ही ऑप्शनल है, इसको अगर मैं कट कर देता हूँ यहाँ से और खाली छोड़ देता हूँ और मैं इसको आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो भी इसको कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट ऑप्शनल था, ये प्रूव हो गया। अच्छा अब दूसरा वाला जो पार्ट है, ये जो दूसरा वाला पार्ट है, दूसरे पार्ट में फॉर लूप को चाहिए होता है बूलियन। फॉर लूप को क्या चाहिए होता है, बूलियन। इफ़ की ब्रैकेट हमने पढ़ी थी ना शुरू में, कि इफ़ की ब्रैकेट में वहाँ क्या चाहिए होता है, एक्चुअल में उसको बूलियन चाहिए होता है, ट्रू या फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पे हाथ से ट्रू लिख दूँ, ये कंडीशन हटा दूँगा, हाथ से ट्रू लिख दूँ तो क्या होगा, हाँ ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसे,
पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट चला, कंडीशन चेक. अच्छा कंडीशन चेक तो हम शुरू में इसका नाम रहा, हमने खुद ही रखा हुआ था बुक में, इसका ऐसा कोई नाम नहीं है. तो इसको यहाँ पे ट्रू चाहिए था, तो ट्रू मिलेगा तो बॉडी चल जाएगी, तो ट्रू मिल गया बॉडी चल गई. फिर अगली दफ़ा में फिर ट्रू मिल गया फिर बॉडी चल गई, फिर अगली दफ़ा फिर, तो ये तो ट्रू ही मिलता रहेगा हमेशा, ये तो कभी फॉल्स होगा ही नहीं. तो दिस इज़ एन इनफाइनाइट लूप. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ट्रू फॉल्स हाथ से, जैसे इफ़ एल्स को मैं हाथ से ट्रू फॉल्स नहीं देता डायरेक्ट, इसी तरह इसको भी नहीं दूंगा. हमेशा मैं कोई ऐसी कंडीशन दूंगा जो एक स्पेसिफिक एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम वो ट्रू रहेगी, उसके बाद वो फॉल्स हो जाएगी. ठीक है, अगर किसी भी वजह से वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती है तो भी फिर वो आपका इनफाइनाइट लूप होता है. ठीक है, और फॉर लूप का जो डाउन साइड है ना सबसे बड़ा, वो यही है कि फॉर लूप बहुत ईजिली क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है. अगर ज़रा सी आपने गलती की वो इनफाइनाइट हो जाता है. तो सबसे बड़ा डाउन साइड इसका यही है. ठीक है, इस वजह से इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, मैप को ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है, जो इसके बाद हम पढ़ने लगे मैप. लेकिन ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है ना, उसमें ये शामिल है. दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैंने आज तक देखी है उसमें फॉर लूप होता है. ठीक है, तो फॉर लूप अगर आप अभी सही से समझ लेंगे तो दुनिया की सारी लैंग्वेजेज आपको आ गई समझ जाए, जिस जिसमें फॉर लूप होता है. ठीक है, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ. और ये कोर कॉन्सेप्ट है एक्चुअली. मैप जो है वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर है, जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक चीज़ है. दूसरी लैंग्वेजेस में मैप जैसी चीज़ें मौजूद हैं किसी दूसरे नाम से. ठीक है, तो इसलिए हम ये दोनों पढ़ रहे हैं ताकि दोनों साइडें हमारी कवर हो जाएं. अच्छा, तो कभी भी इसको हाथ से मैं ट्रू नहीं दूंगा. अच्छा, अगर मैं इसको कोई बूलियन वगैरह देता हूँ, काओ या कैट, तो क्या होगा? तो भी ये इसको, क्योंकि कैट एक ट्रूथ ही वैल्यू है. जावास्क्रिप्ट में 7 वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो फॉल्सी होती हैं, उसके अलावा सारी ट्रू होती है. तो एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो फॉल्सी होता है, लेकिन स्ट्रिंग में कोई भी बात लिखी भी हो तो वो फिर ट्रूथ ही हो जाता है. तो इसका मतलब है कि ये भी हाथ से ट्रू लिख दूँ या कैट लिख दूँ, एक ही बात है. ठीक है, ट्रू है वो. इस सूरत में भी ये इनफाइनाइट है. अच्छा, इनफाइनाइट लूप होने से होता क्या है, ज़रा एक दफ़ा मैं चला के दिखा देता हूँ. नहीं है, अच्छा इसको असल में ब्राउज़र जो है ना पूरा हैंग होता है. तो मैं पहले एक काम करता हूँ, एक दूसरा टैब खोल लेता हूँ ताकि मैं, क्योंकि इस टैब को बंद करूँगा ना तो वो रहे दूसरा ही, वरना पूरा ब्राउज़र बंद हो जाएगा. अच्छा, तो मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश का बटन दबाऊँगा ना, ये कोड क्या होगा, दोबारा से रन होगा और ये लूप इनफाइनाइट होने वाला है. ठीक है, अभी तो 012 चलता है ना, ये 200000 पता नहीं कहाँ तक चल जाएगा. अच्छा, क्लियर किया मैंने इसको, और मैंने इसको रिफ्रेश किया और फ़ौरन मैंने इसको बंद कर दिया. बंद करने का बटन मैं दबा चुका हूँ. मेरा प्रोसेसर ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे मेरा प्रोसेसर है, कैसे ऊपर चला गया. और मैं क्लोज़ का बटन प्रेस कर चुका हूँ. ठीक है, ब्राउज़र को बंद करने का बटन क्लोज़ का प्रेस कर चुका हूँ. अब ये थोड़ी देर में पता नहीं होगा क्लोज़ कुछ. ठीक है, कोड को चेंज भले कर दूँ, ये रिफ्रेश तो खुद से थोड़ी होगा. ठीक है, तो मैंने टैब को बंद करने का बटन फ़ौरन दबा दिया था, तो वो क्योंकि थोड़ी देर में फिर वो बंद हो गया. ठीक है, अगर मैं थोड़ी फ़ौरन नहीं दबाता ना बटन, तो फिर मुझे पूरा कंप्यूटर रीस्टार्ट करना पड़ता, या मे बी मुझे गूगल क्रोम को जाके टास्क मैनेजर से एंड टास्क का बटन दबाना होता. ठीक है, अच्छा तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको वापस आके चेंज कर देता हूँ. अच्छा, अगर मैं इसको खाली छोड़ दूँ, इसमें कुछ भी ना दूँ, तो क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? क्या इसको एज अ ट्रू लेना चाहिए इसको, या एज अ फॉल्स लेना चाहिए? क्योंकि एक तो 7 फॉल्सी वैल्यूज़ है ना, हमने देखा कि भाई कोई भी चीज़ लिखी हुई होगी तो उन 7 फॉल्सी वैल्यूज़ में अगर हुई तो फॉल्स है, उसके अलावा जितनी भी है वो सब ट्रू है. लेकिन कुछ भी ना लिखूँ तो क्या है? नहीं, मतलब ट्रू है या फॉल्स है या एरर है, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती. अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि इफ़ की बॉडी, इफ़ की जो ब्रैकेट है, अगर उसमें मैं कुछ भी ना लिखूँ तो वो क्या करता है? इफ की ब्रैकेट में, वो अभी तो इफ की ब्रैकेट में मैंने ये सेम काम करके देखा था ना लास्ट. क्या किसी ने ये ट्राई किया था कि इफ की बॉडी में अगर मैं कुछ भी ना लिखूं, बिल्कुल ही खाली छोड़ दूं पैरेंथेसिस को, तो क्या करता है? फिर एरर आ जाता है उसमें. ठीक है, इसमें क्या होता है जरा देखते हैं. अच्छा, सिंटेक्स एरर जो आता है ना इफ की बॉडी में, वो असल में आपसे ये कह रहा होता है कि इफ की बॉडी में कोई ना कोई बात लिखना जरूरी है, रिक्वायर्ड है. मैंने शुरू में ये कह दिया था कि ये तीनों पैरामीटर ऑप्शनल हैं, तो वो एरर तो यहाँ बनता नहीं है. अगर तीनों ऑप्शनल हैं वाकई, तो
ठीक है, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी करके देखेंगे। अगर तो ये ऑप्शनल है तो फिर वो तो फिर बनता नहीं है ना वो एरर के भाई वैल्यू दो। तो या तो इसको ट्रू लेना चाहिए खुद से या तो फॉल्स लेना चाहिए। अच्छा, जैसा कि जावास्क्रिप्ट में 7 वैल्यूज़ फॉल्स ही होती हैं, उसके अलावा तमाम की तमाम ट्रू होती है, ठीक है, तो कुछ नहीं है तो अच्छा, जहाँ कुछ नहीं होता है वो अनडिफाइन होता है, और अनडिफाइन जो है वो फॉल्स ही है। लेकिन यहाँ पे ये काम ना थोड़ा सा अपोजिट है, ठीक है, यहाँ पर ये पैरामीटर अगर नहीं दो तो इसको ट्रू लेता है ये, तो इसका मतलब है ये दोबारा से इनफाइनाइट होने वाला है। अच्छा, मैं दोबारा से जाता हूँ और मैं इसका ना कॉपी पास्ट करके ना एक नए टैब में इसको मैं ओपन करता हूँ। तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा, अच्छा मैं पहले से वो खोल लेता हूँ कॉन्सोल ना, कॉन्सोल में पहले से खोल लेता हूँ ताकि जैसे ही मैं एंटर करूँ और फिर फ़ौरन मैं क्लोज़ करने का बटन दबा दूँ ताकि वो थोड़ी देर में फिर खुद ही क्लोज़ हो जाए। अच्छा, ये मैंने इसको एंटर किया और क्लोज़ का बटन मैंने फ़ौरन दबा दिया है, ठीक है, ये भी इनफाइनाइट हुआ था ना, ठीक है, फ़ौरन नहीं दबाना तो फिर वो फिर हैंग हो जाता है, फिर टैब बंद नहीं होता, बहुत ज़्यादा चल जाता है। अच्छा, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंडीशन देंगे कोई ना कोई, अगर हम कंडीशन नहीं देते हैं तो ख़ुद से ये उसको समझता है कि ट्रू, तो इसका मतलब है ये है तो ऑप्शनल, लेकिन अब करेंगे अब इनफाइनाइट जो रहा उसको कैसे रोकेंगे। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर लूप को रोकने का एक और भी तरीका है, सभी में होता है, हर लैंग्वेज में ये होता है ब्रेक, ठीक है। तो मैंने कहा कि इफ़, ठीक है, ऊपर कंडीशन नहीं लगाई तो अंदर कहीं कंडीशन मुझे लगा के कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा इफ़ अगर आई जो हो जाए ना वो बड़ा हो जाए अगर 3 से, तो क्या करो आप, ब्रेक कर दो, ठीक है। ब्रेक एक कीवर्ड होता है, अगर फॉर लूप के दरमियान में, फॉर लूप की बॉडी में किसी भी जगह ब्रेक का कीवर्ड आ जाए तो वो वहीं से एग्जिट हो जाता है, वो दोबारा ऊपर भी नहीं जाता, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए ऊपर भी वो नहीं जाता, बस जहाँ ब्रेक देखा ना उसने, बस अब उसके बाद जो भी कोड होगा उसको छोड़ छाड़ के डायरेक्ट लाइन नंबर 27 में उसने आ जाना है, सही है। तो ये समझ आई बात, नहीं किसी भी, हाँ बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं कि भाई अच्छा ऐसा अगर हो जाए तो आमतौर पे क्या होता है, जब हम सर्च करते हैं एक बहुत लंबा सा हमारे पास कोई है एरे है, काइंड ऑफ एरे हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे अभी सर्च, तो एक बहुत लंबा सारा मेरे पास एरे है, उस एरे में मैंने एक कोई नंबर सर्च करना है, अब वो 2000 इंडेक्सेस का एरे है, अब मैंने लूप चलाया और एक एक इंडेक्स पर मैं जा रहा हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ कि आया कि मेरी वैल्यू मैच हो गई है या नहीं हो गई। अच्छा, 1566 दफ़ा वो चला और 1566वें दफ़ा में उसने बोला कि हाँ यार ये वैल्यू मिल गई है, क्या मुझे मज़ीद आखिर तक उस लूप को ले जाने की ज़रूरत है, नहीं है। तो मैं उसी इफ़ में ना मैं लास्ट में बोलूँगा भाई वैल्यू मिल गई, उसको उठा के फला जगह पर डालो और ब्रेक ख़त्म, उसके आगे चलाने की ज़रूरत। तो असल तो ब्रेक का काम है ये कि कहीं भी ना लूप चलने के दौरान कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगे कि अच्छा अब लूप को मज़ीद आगे चलाने की ज़रूरत नहीं, इसको यहीं रोक, तो उसके लिए ब्रेक यूज़ होता है, ठीक है। सम टाइम ये होता है कि आप लूप हर आइट्रेशन में आप इनपुट ले रहे होते हैं यूज़र से, तो जाहिर है आप इनपुट लेते हुए आप कहते हैं कि यार एक नंबर एंटर करें, और अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो आप ई लिख के एंटर करो, ठीक है, तो ई लिखेगा। तो ये वेल पुराने ज़माने में जब हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम लिखते थे तो उसमें टर्मिनल से इनपुट लिया जाता था, तो टर्मिनल से इनपुट लेते हुए हम उसको आमतौर पर यही कहते थे कि भाई आप एक नंबर एंटर करें, अगर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते किसी भी पॉइंट पे आपको लगे नहीं यार एग्जिट करो, तो आप ई का बटन दबा दें या एस्केप का बटन दबा दें, तो वो उसको हम क्या करते थे कि हम कहते थे इफ़ जो यूज़र ने बटन प्रेस किया है इज़ इक्वल्स अगर स्पेस एस्केप है तो ब्रेक ख़त्म, अगर इसके अलावा कुछ और है तो फिर उसको प्रोसेस किया जाए जो भी चल रहा है प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंगली। तो मैंने बीच वाली चीज़ को हटा के ना इसकी जगह पे क्या लगा दिया, इसकी जगह पे ये लगा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट वाला जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ये भी ऑप्शनल है, इसको भी मैं कट कर देता हूँ, और कट करके कहाँ ले आता हूँ, बॉडी के आखिर में लगा दूँगा, ठीक है, बॉडी तो चलेगी ना, बॉडी के आखिर में ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तीनों इसके पैरामीटर गायब कर दिए मैंने, सही है, फॉर लूप के मैंने तीनों पैरामीटर गायब कर दिए, तो ये फॉर लूप अभी भी लेकिन कितने दफ़ा चलेगा, 0 से लेके, ठीक है, तो जो आई जब तक बड़ा हो जाए 3 से ना, तो 3 तक ये चलेगा,
जैसे ही आई में फोर होगा ये फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे थ्री आखिरी होगा जो प्रिंट होगा, फोर प्रिंट नहीं होगा यहाँ पर। सही है, तो चलते हैं जी जीरो से लेके थ्री तक देखते हैं कि ठीक है। जीरो से लेके थ्री तक चल गया, फोर चौथी दफ़ा में ये फॉल्स हो गया, चौथी दफ़ा में ये क्या हो गया, ये इफ ट्रू हुआ और वो ब्रेक लग के वहीं से नीचे चला गया, दोबारा उसमें चेक नहीं किया। हाँ बोलो। ये नहीं लिखेंगे तो भी इनफाइनाइट हो जाएगा ये, ठीक है। इसको मैंने कट कर दिया अगर, अब देखो होगा क्या, इंक्रीमेंट होगा ही नहीं, वो आई हमेशा रहेगा जीरो, तो आई जीरो रहेगा, ये इफ कभी भी ट्रू नहीं होगा और वो लूप चलता ही चला जाएगा, ठीक है। और लूप जितनी हज़ारों दफ़ा चलेगा उसमें क्या लिखा हुआ, प्रिंट उसमें ज़ीरो ही होगा, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये तीनों रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि वो तीनों काम मुझे लाजमी करना है, लेकिन वो एज अ पैरामीटर वो ऑप्शनल है। आप वो काम अगर वहाँ नहीं करवाते तो कहीं ना कहीं आपको वो काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो इसका सिंटैक्स है ना, ये सेमी कॉलन भी मैं नहीं हटा सकता, शायद सेमी कॉलन हटाऊंगा एरर दे गए, यानी जो बीच में उसको सेपरेट करता है ना तीनों पार्ट्स को, वो भी नहीं हटा सकता, ठीक है जी। तो ये हमने फॉर लूप को ना एक एक करके देख लिया कि अंदर इसके क्या क्या कुछ चल रहा है। अच्छा, फॉर लूप का सबसे बड़ा डाउनसाइड आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि एक भी चीज़ आपने आगे पीछे की ना वो इनफाइनाइट होते हुए आपको पता नहीं चलता कि कब इनफाइनाइट हो गया वो, तो बहुत केयरफुली इसका कोड आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। हालांकि असूलन ऐसा होना नहीं चाहिए, असूलन ये होना चाहिए कि जो एरे होता है उसकी लेंथ तो हमें पता होती है ना, एरे पे डॉट डॉट लेंथ लगाते हैं तो वो तो हमें पता होती है कि इसकी लेंथ क्या है। तो आम तौर पे हमें क्योंकि एरे पे आइटरेट करना होता है, अच्छा एरे पे हमने आइटरेट करके देखा नहीं है ना अभी तक, देख लेते हैं एक दफ़ा पहले, फिर उसके बाद ये बात हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने तरीका किया ना इसको मैं कहता हूँ वन वे लिंक, सही है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में आपको कोशिश करना है कि आप वन वे लिंक ना करें। ये जो मैंने किया ना कि इधर से निकाल के उधर लगा दिया, उधर से निकाल के इधर लगा दिया, फिर भी कोड सही चल रहा है, तो ये आपने कोशिश करना है कि इस तरह की चीज़ों को आप प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग में ना अवॉइड करें। प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग में जिस चीज़ की जो जगह है वहाँ पे करें, प्रॉपर तरीके से करें, ठीक है। हाँ, लेकिन ज़ाहिर है कहीं पे अटकती है अगर गोटी आपकी, तो फिर आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं। और ये मेरा बताने का मकसद ये नहीं था कि, मतलब मेरा बताने का मकसद ये था आपको फॉर लूप अच्छे से समझाना, और वो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो आप जब प्रॉपर प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपने ये चीज़ें वन व्हीलिंग वाली नहीं करनी है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रॉपर तरीका है बाई द बुक, उस पर आपने रहते हुए कोशिश करना है कि सारे काम को आप करें। अच्छा यार, ये मैंने गड़बड़ की, वैसे मैंने गड़बड़ ये की है, मैंने लिखा हुआ था ना उसके ऊपर ही लिख दिया था, मैंने लास्ट क्लास का जो कोड था ना ये वाला, इसके ऊपर ही लिख दिया था। खैर, तो मैंने क्या किया, लास्ट क्लास का कोड भी बचा लिया और उसके आगे एक कमेंट लगा के आज का लिखा हमने कोड। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि भाई फॉर लूप जब हम लिखेंगे तो हम कैसे, शुरू में जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि एरे लूप के लिए बना है और लूप एरे के लिए बना है, दोनों एक दूसरे के लिए बना है, तो वो अभी आपको बात समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों है, ठीक है। जैसे कि लास्ट क्लास का अगर मैं कोड ओपन करूँ, जो एरे हम पढ़ रहे थे उसकी अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर मैं ऐसे करके चार वेरिएबल बना रहा हूँ, ये चार वेरिएबल अलग अलग नाम से बना लूँ, एक मेरे पास फ्रेंड्स के नाम से एक एरे था, एरे टाइप, इसमें चार इंडेक्सेस हैं, तो हमने ये देखा था कि मेमोरी में वो क्या ले रहे हैं, 22 बाइट ले रहे हैं, यानी जितने अगर अलग अलग वेरिएबल बनाता इसी तरीके से तो भी इतना ही लेते, वो एरे बना रहा हूँ तो भी इतना ही ले रहे हैं। एरे को हम एक्सेस इस तरह से कर रहे हैं, अलग अलग बनाता तो भी मैं उसको कंसोल करवा सकता था और उसको चेंज भी कर सकता था, तो हम एरे बना ही क्यों रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस, ये हमारा एक सवाल था, ठीक है, जो अभी अभी इसका जवाब इंशाल्लाह मिलने लगा है, ठीक है। तो हमने उस वक्त ये देखा था कि अगर हम एरे नहीं बनाते हैं इस तरीके से और हम एक नॉर्मल चार अलग अलग नामों से चार वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, मतलब फ्रेंड वन, फ्रेंड टू, फ्रेंड थ्री, फ्रेंड फोर, ऐसे अगर चार वेरिएबल बना देते हैं अलग अलग नेट करके, तो उस पर हम आइट्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर अगर मुझे ट्रैवर्स करना है तो मैं नहीं कर पाऊँगा,
मिसाल के तौर पे जैसे अभी सैलानी में एडमिशन्स भी चल रहे हैं, तो अगर एडमिशन फॉर्म भरता है स्टूडेंट आके, ठीक है, एडमिशन फॉर्म भरता है तो एक स्टूडेंट तो नहीं भर रहा, हज़ारों स्टूडेंट भर रहे हैं, तो हज़ारों स्टूडेंट जो एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं उसमें से अगर किसी का नाम मुझे बाद में एडिट करना पड़े या किसी स्टूडेंट को उसके रोल नंबर से सर्च करना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आइटरेट करना पड़ेगा तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर, उसमें से एक को मैं निकाल के लाऊंगा अकॉर्डिंग टू सर्टन सर्च क्राइटेरिया। तो वो काम अगर मैं अलग अलग एक फॉर्म बंदे ने भरा उसको मैंने पूरे में एक वेरिएबल में डाल दिया, दूसरा फॉर्म भरा उसको दूसरे वेरिएबल में डाल दिया, तो फिर मैं उस पर आइटरेट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। और आइटरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, इस तरह का जहाँ पर डेटा है ना कि एक ही जैसा डेटा बहुत सारे लोग दे रहे हैं, ठीक है, या एक कोई IoT डिवाइस है वहाँ से आपको टेम्परेचर मिलता जा रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, हर एक घंटे पे आपको टेम्परेचर मिलता है एक, तो आपको पूरे दिन में 24 टेम्परेचर आ गया, पूरे साल में आपको 24 मल्टीप्लाई बाई 365 आपको डेटा आ गया, ठीक है। या हर एक मिनट पे अगर मिल रहा है तो फिर वो फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा आएगा, तो वो फिर मिलियंस पे पहुंच जाएगा वो हर एक सेकंड में अगर आपको मिल रहा है, और अगर उससे भी ज़्यादा है आपको 5-6 मिली सेकंड के फ़र्क से मिलता है सेंसर का डेटा, तो और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो इतने सारे डेटा में अगर आपको ये सर्च करना है कि कौन सा ऐसा दिन था जिसमें पीक टेम्परेचर 40 को टच करके आया है, या आपको उसमें से अगर ये ढूंढना है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पिछले 24 घंटों में क्या रिकॉर्ड किया गया है, या पिछले एक महीने में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर क्या रिकॉर्ड किया गया है, सबसे कम टेम्परेचर क्या रिकॉर्ड किया गया है, तो क्या आप इतने हज़ारों वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उस पर इफ एल्स लगाएंगे? नहीं, वो असल में एरे होगा। आप बोलेंगे कि एरे पे क्या करो, आइटरेट करो, तो एरे पे आइटरेट करना भी हम सीखते हैं पहले कि वो होगा कैसे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, एक मैं लेट टेम्परेचर, ठीक है, हम इमेजिन करते हैं कि टेम्परेचर का एक डेटा कहीं से आ रहा है, IoT डिवाइस है, वो कंटिन्यूसली मुझे टेम्परेचर का डेटा देती जा रही है और वो इस वेरिएबल में आके स्टोर हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा भाई अभी क्या है टेम्परेचर आया 28 है ना, तो मैंने कहा 28, 27, 31, 29, 32, ठीक है, अभी 6 टेम्परेचर इसके अंदर है, अभी 6 घंटे का कह लो उसको या 6 दिन का कह लो, इट्स अप टू यू। मैंने क्या करना है, इस पर आइटरेट करना है। इस पर आइटरेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने कहा लेट आई इक्वल्स 0, ये इनिशियलाइज करवा दिया मैंने एक वेरिएबल। अच्छा, आई की जगह पूरा इंडेक्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि वो बॉयलर प्लेट में लिखा हुआ था, ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स। अच्छा, फिर मैंने कंडीशन चेकिंग पे क्या बोला, मैंने कहा आई जब तक छोटा रहे किससे, एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ मतलब टेम्प है ना मेरे एरे का नाम, तो मैं कहूँगा टेम्प डॉट लेंथ। किसी भी एरे टाइप का जो वेरिएबल होता है उस पर जब आप डॉट लेंथ लगाते हैं तो आपको क्या रिटर्न करता है, उसका साइज रिटर्न करता है। इस एरे का साइज इस वक्त क्या है, 6 है, ठीक है, इस एरे का साइज इस वक्त 6 है, तो 6 रिटर्न करेगा। अच्छा, ये लेंथ है, लेंथ हमेशा 1 बेस होती है, 0 बेस नहीं होती, ठीक है। इंडेक्सेस इसके कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये इंडेक्सेस जो हैं वो 0 बेस होते हैं, लेकिन जब आप लेंथ की बात करते हैं तो वो हमेशा 1 बेस होता है, ठीक है। 1 बेस का मतलब क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये लेंथ आपको हमेशा 1 बेस डेटा रिटर्न करता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या रिटर्न होगा, जब मैं ये लिखूँगा टेम्परेचर डॉट लेंथ, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे 6 रिटर्न हो जाएगा ऐसे। या अगर एरे में कोई कहीं से और पुश वुश हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, मतलब इस लूप के चलने से पहले पहले और डेटा मैंने पुश कर दिया अगर, तो जो भी उस वक्त का करंट उसका होगा ना लेंथ, वो आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने ये बात लिख दी यहाँ पे कि भाई आई जब तक छोटा रहे टेम्प की लेंथ से, तो अब ये लूप कितनी बार चलेगा ऐसा करने की वजह से, 0 से लेके 5 तक इसका इंडेक्स जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये 0 से क्यों शुरू करते हैं हम लूप को, और लूप को हमने हमेशा 0 से ही शुरू करना है, क्योंकि एरे इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू होता है और 5 तक जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, आई को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया मिसाल के तौर पर। अच्छा, आई में क्या प्रिंट होता है, 0 से लेके 5 तक प्रिंट होता है, जैसा कि आप सब लोग देख के भी बता सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि टेम्प का इंडेक्स आई प्रिंट करवा दो,
तो पहली दफ़ा में यहाँ क्या प्रिंट होगा? 28 प्रिंट होगा. दूसरी दफ़ा में 27, फिर तीसरी दफ़ा में 31 एंड सो ऑन, पूरा 27 तक प्रिंट हो जाएगा. तो हमने क्या कर लिया, लूप के ज़रिए एक एरे पे ट्रैवर्स किया, और उस ट्रैवर्स करने के दौरान हमने, हम इस पर कोई भी ऑपरेशन कर सकते थे, हमने फ़िलहाल अभी इसको प्रिंट करवा दिया स्क्रीन पर, कोई और भी ऑपरेशन हम कर सकते थे इस पर. ठीक है, आ जाते हैं जी उसको अब चला कर देखते हैं हम रिफ्रेश. ये देखो 6 के 6 टेम्परेचर पूरे यहाँ पे प्रिंट हो गए. ठीक है, अच्छा तो ये तो मैंने क्या किया, इसको रीड कर लिया लूप के ज़रिए, ट्रैवर्स कर लिया या प्रिंट करवा दिया. क्या इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ चेंज. मैंने कहा कि भाई इसको ना क्या करो, टेम्प का जो इंडेक्स आई था ना उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई 2 से करवा देता हूँ मिसाल के तौर पर. ठीक है, मैंने कहा कि भाई इसको मल्टीप्लाई करवा दो 2 से. ठीक है, मैंने कहा टेम्प का जो इंडेक्स आई है उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, और ये जो भी रिजल्ट इसका आया उसको वापस इसमें रखवा दो. तो अब क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है एरे को इसी तरह चेंज करते हैं ना, हम देख चुके हैं ये बात. लेकिन अब जस्ट फर्क ये है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में मैं इंडेक्स हाथ से लिखता था, अब उसकी जगह मैं कोई वेरिएबल दे रहा हूँ, और वो वेरिएबल कंटिन्यूसली चेंज होता है, और एक ऐसा जुगाड़ तैयार हो गया कि क्या होगा, ये उस एरे पे जाएगा और उस एरे पे जाके तमाम वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा. ठीक है, अच्छा देखिए आप, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गई तमाम वैल्यूज़. ठीक है, अच्छा अगर मैं इस एरे में मज़ीद कुछ वैल्यूज़ ऐड कर दूँ तो क्या मुझे कोड में कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी? क्योंकि मैंने एरे पे डॉट लेंथ लगा के उसको चलाया हुआ है, तो एरे की जो भी लेंथ होगी ना उस वक्त, उसके हिसाब से वो लूप उतनी ही बार चलेगा. ठीक है, उसके हिसाब से वो लूप उतनी ही बार चलेगा. ठीक है, देखो लास्ट में भी 2 वैल्यूज़ थी, उसको भी ले लिया उसने. ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को ख़त्म कर देता हूँ भाई दादा. अच्छा ये बात समझ में आई, या मिसाल के तौर पे, चलो ये तो थोड़ी नॉन रियलिस्टिक चीज़ है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो. मिसाल के तौर पे ये फॉरेन हाइट में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ. मैंने कहा भाई फॉरेन हाइट में करना, क्या होता है फॉर्मूला फॉरेन हाइट में कन्वर्ट करने का, पता है किसी को? अच्छा ये होता है मल्टीप्लाई करते हैं 1.8 से और 32 ऐड कर देते हैं. सही है, ये होता है फॉर्मूला. जो भी मेरा जो सेंटीग्रेड है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1.8 से. तो मैंने कहा कि भाई इसको आप क्या करो, एक मिनट, मल्टीप्लाई पे 1.8 है ना, 1.8 सही है. तो ये काम पहले करना, मैं उसको ब्रैकेट में कर देता हूँ कि भाई ये काम पहले होगा. जो भी टेम्परेचर मेरे पास सेंटीग्रेड में है उसको 1.8 से मैंने मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया इसमें 32. ठीक है, और उसको ये जो भी प्रोसेस हुआ है पूरा उसको कहाँ रखवा दिया, वापस उसी वहीं रखवा दिया जहाँ था वो. तो इसका मतलब है कि अब ये क्या हो चुका होगा, ये फॉरेनहाइट में कन्वर्ट हो गया सारा का सारा. ठीक है, मैं कट किया, रिफ्रेश किया, ये फॉरेनहाइट में कन्वर्ट हो चुका है. अब इस एरे का जो साइज़ है ना वो मैटर ही नहीं करता कि कितना बड़ा हो, 20 हो, 50 हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, 5000, 10000, जितना भी इसका साइज़ हो, वो तो कंप्यूटर के ज़रिए हो रहा है सारा, ऑटोमेटिकली हो रहा है ये सारा. यानी प्रोसेसर जितना फास्ट होगा उतनी जल्दी होगा. तो अब आपको, अब ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें नहीं रहा. ये जो मैंने एक बार कोड लिख दिया ना, दिस कोड विल वर्क नो मैटर वॉट, आपका साइज़ जितना भी बड़ा हो चलेगा. अच्छा अगर साइज़ बिल्कुल ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा, क्यों नहीं चलेगा? अच्छा तो जब ये ज़ीरो हो जाएगा ना, तो जब इस टेम्प के ऊपर जब मैं लेंथ पकड़ूंगा तो ये मुझे क्या देगा, ज़ीरो देगा. तो ये पहली दफ़ा में ही कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, चलेगा ही नहीं है. ठीक है,
अच्छा तो हमने ये देख लिया कि हम लूप चला के एरे पे आइटरेट कर सकते हैं, और एरे पे जब आइटरेट कर सकते हैं तो उसका मतलब है उस आइटरेशन के दौरान उसको रीड भी कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये हमें बात समझ में आ गई कि एरे जो मैं शुरू में बता रहा था कि लूप के लिए बने हैं और लूप एरे के लिए बने हैं, वो बात यहाँ पे शायद अभी क्लियर हो गई। अच्छा, अगर मैं इसी की जगह ये जो छः मेरे पास अलग अलग बने हुए हैं, इसी की जगह मैं अगर मिसाल के तौर पे ऐसे बनाता ना कि भाई टेम्प वन सही है, और इसको मैं कैसे करूँगा डुप्लीकेट, करके दिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं अभी अलग अलग बना रहा हूँ समझाने के लिए, समझाने के हिसाब से मैं वो बता देता हूँ तुम्हें कैसे होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे करके बनाता ये छः वेरिएबल, ये मेमोरी में ये भी उतनी जगह ले रहा है, मेमोरी में ये भी उतनी जगह ले रहा है, ठीक है, लेकिन क्या इस पे मेरे लिए पॉसिबल था कि मैं ऐसे करके आइटरेट कर पाता? ठीक है, अच्छा कर भी लूँगा मैं छः दफ़ा कंसोल डॉट लॉग हाथ से लिख दूँगा, सेम काम हो जाएगा। सही है, अगर इसमें सातवां वेरिएबल आ गया तो फिर क्या होगा? तो फिर एक और बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ मसला यहाँ तक नहीं है कि एक और बार लिखना पड़ेगा, मसला ये है कि ये कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, हमें कोड को मॉडिफाई करना पड़ेगा इस चीज़ को टैकल करने के लिए। अगर एक इसमें कम या एक ज़्यादा हो जाता है तो हमें उसको टैकल करने के लिए कोड को मॉडिफाई करना पड़ेगा। एरे में हम क्या होता है, जितने मर्ज़ी बड़ा आ जाए जितने मर्ज़ी छोटा आ जाए वो कोड को मॉडिफाई हमें नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए सारे तो फिर ये तो कोई मतलब बता नहीं सकता ना कि क्या होगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास सेंसर है, उससे डेटा आता है मेरे पास, अब उससे डेटा आ भी सकता है, हो सकता है वो सेंसर डेटा ही देना बंद कर दे, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, वो डेटा ही देना बंद कर दे, तो वो पॉसिबिलिटी क्या होगी ना रियलिटी में वो उसी वक्त पता चलेगा, वो शुरू में हमें पता नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, एरे खाली है तो लेंथ जीरो है, वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, कोड मेरा ब्रेक नहीं होगा चाहे उसमें वैल्यू हो या नहीं हो। और अब इसमें क्या और रह गया हमारा, हाँ अब ये मैंने कोड लिख दिया। अच्छा, अब क्या ये कोड इन्फिनिटी हो सकता है, ये क्या ये कोड इन्फिनिटी हो सकता है किसी भी केस में? ये लूप अभी कितनी दफ़ा चलना चाहिए, एरे की जो लेंथ है उतनी दफ़ा चलना चाहिए ना? अच्छा, आ जाओ चलो देखते हैं ये इतनी दफ़ा चल गया। ठीक है, अच्छा अब ये कितनी दफ़ा चलना चाहिए? एक भी बार नहीं चला। ठीक है, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये उल्टा लग जाना इज़ अ वेरी वेरी कॉमन थिंग, ये कभी भी उल्टा लग जाता है। ठीक है, तो दो प्रॉब्लम है इसके अंदर, एक तो ये ना बहुत ही जेनेरिक तरीका है कि मैं सीधा लूप पे आइटरेट कर रहा हूँ। नंबर एक बात, ये इतनी सारी बातें जो मैं लिख रहा हूँ ना ये बॉयलर प्लेट है। अच्छा, बॉयलर प्लेट पता है सब लोगों को क्या होता है? नहीं पता, चलो बॉयलर प्लेट पहले बताता हूँ। मैं देखो बहुत सारे वर्ड्स हैं मैं ऐसे यूज़ करता हूँ जो बड़े कॉमन वर्ड्स हैं मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि आपको भी पता होगा, लेकिन अगर कोई भी मैं ऐसा वर्ड यूज़ करूँ जो आपको नहीं पता हो कि इसका क्या मतलब है तो फ़ौरन पूछ लिया करो कि सर ये जो आप क्या बोल रहे हैं बॉयलर प्लेट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मैं जो जुमला बोल रहा हूँ आपसे, मेरी ये कोशिश होती है कि मेरा एक एक वर्ड आपको समझ आए। तो अगर मैं कोई ऐसा वर्ड बोल रहा हूँ अनजाने में जो मुझे तो लग रहा है कि बड़ा कॉमन है लेकिन आपको नहीं पता, तो इसमें ज़रूरी ये है कि आप उसको फ़ौरन पूछ लें। अच्छा, बॉयलर प्लेट उस कोड को कहते हैं
जो कोई भी एप्लीकेशन तैयार करने के लिए ना इनिशियली आपको वो कोड चाहिए हो, उसके बगैर हो नहीं सकता, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये स्क्रिप्ट का जो टैग है ये क्या है, बॉयलरप्लेट, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन आप बनाएंगे लॉगिन साइनअप उसमें होगा ही होगा, तो लॉगिन साइनअप क्या है, बॉयलरप्लेट। लेकिन लॉगिन साइनअप को तो खैर बॉयलरप्लेट नहीं, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके से होता है, किसी में फ़ोन नंबर से चल रहा होता है लॉगिन, किसी में किसी से चल रहा होता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। वेल, तो जैसे आप जब HTML का कोड लिखते हैं तो ये जो ऊपर जो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ये क्या है, बॉयलरप्लेट है, ये आपको हर दफ़ा लिखना होता है, ठीक है। तो ऐसा सेम कोड जो आपको हर दफ़ा लिखना पड़े, दैट इज़ कॉल्ड बॉयलरप्लेट। तो डेवलपर्स आमतौर पे क्या करते हैं, वो बॉयलर प्लेट ना पहले से लिख के रख लेते हैं और वहीं वो कोड उठाते हैं, उस पर मजीद पूरी एप्लीकेशन खड़ी करना शुरू कर देते हैं। जैसे अच्छा, ये बॉयलर प्लेट लफ्ज निकला कहाँ से, कि बर्गर, बर्गर की दुकान पे देखा तवा रखा हुआ होता है प्लेट, ये उस प्लेट की बात हो रही है बॉयलर प्लेट। तो बर्गर वाला जब दुकान खोलता है, कोई भी हो, बर्गर KFC वाला हो या कोई गली में लगाया हो, एक ही बात है, ठीक है, प्रोसेस एक ही है। वो आएगा सबसे पहले, तो आप अगर और करें ना कभी, वो आता है सबसे पहले तवे को साफ करके, ये शायद साफ भी नहीं करता, नीचे आग जला देता है, और स्लो आंच में, बहुत स्लो आंच में जलाना ज़रूरी, क्योंकि वो तेज़ आंच में जलाएगा ना तो वो जलना शुरू हो जाएगा। आयरन है ना, लोहा है, लोहा जल जाता है, लोहा जल के पतला हो जाता है, ठीक है, तो वो वेयर टेयर होता है उसका, तो उसको स्लो आंच में जलाएगा वो, ठीक है। और एक कपड़ा, हल्का सा कपड़ा मार के ना उस पर स्लो आंच में जला के उसको छोड़ देगा। अच्छा, अब वो करना शुरू करेगा सफाई और कुछ एयर वगैरह आगे पीछे, जो भी झाड़ू लगाना है कुछ करना है उसको, ठीक है। उसको वो आधे घंटे कुछ भी नहीं करेगा, छोड़ देगा हल्की आंच पे, क्योंकि तेज़ गर्म करेगा ना तो उसका वेयर टेयर होगा, और वो जितना मर्जी तेज़ गर्म कर ले वो इतना मोटा, क्योंकि लोहा है ना, वो फुल आँच भी कर देगा तो उसको गर्म होने में 20 मिनट तो फिर भी लगेंगे, उसको जल्दी गर्म करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। हर दफ़ा उसको ये 20 मिनट बर्दाश्त करने, मतलब दुकान खोलेगा वो तो 20 मिनट उसने उसको गर्म करना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद वो जब गर्म हो जाएगा तो फिर उस पर वो बर्गर बना सकता है, या जो भी बेच रहा है वो, कुछ और बेच रहा है वो कर सकता है। तो बर्गर वाले के केस में इस 20 मिनट को कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन डेवलपर्स के नज़दीक जो बॉयलर प्लेट जो कोड होता है, वो बॉयलर प्लेट कोड ना बहुत सारे बॉयलर कोड लिखे हुए होते हैं लोगों ने, ठीक है, बहुत सारे बॉयलर। अगर मेरे भी आप जाएंगे ना GitHub में, तो मैं आपको वहाँ दिखेगा कि बहुत सारे बॉयलर प्लेट्स आपको नज़र आएंगे ना। जैसे एक मैंने Firebase फंक्शन के लिए लिखा हुआ था, अभी आ जाएगा ये, जी रहा, Firebase फंक्शन विद TypeScript। तो ये असल में मैंने बॉयलर प्लेट अपने लिए बनाया था, ये और भी लोगों ने इसको यूज़ किया हुआ है, 53 लोगों ने स्टार विस्टार दिए हुए, 4 किया हुआ है किसी ने, ठीक है। ये 2018 में जब आए थे ना Firebase फंक्शन, तो ये उस वक्त मैंने अपने लिए बनाया था, ठीक है। ये देखो Firebase Firestore एग्जांपल, कि Firestore में जो मोटी मोटी चीज़ है ना वो सब मैंने पहले से लिख के रख ली है, अब जहाँ भी यूज़ करना होगा यहाँ से देख के कर लूँगा, ठीक है। ये देखो Angular 4 टूडू ऐप, Angular 4 में एक टूडू ऐप बना के ना उसमें राउटर और जो जो उसमें लगता है ना, वो जो जो सीखा मैंने वो सारा इसमें लिख के रख लिया मैंने। एक और बड़ी अच्छी है सेल्समैन ऐप, वो शायद मेरी ज़िंदगी पहली बड़ी एप्लीकेशन बनाई थी मैंने प्रैक्टिस के तौर पे, वैसे तो क्लाइंट्स के लिए बनाते रहे, तो एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनाई थी बड़ी प्रैक्टिस के लिए। तो MongoDB का जो कोड है ना वो आज तक मैं यहाँ से निकालता हूँ, मेरे अक्सर आप लेक्चर्स वगैरह देखेंगे ना रिकॉर्डेड जो यूट्यूब पर, तो मैं ये सेल्समैन ऐप खोलता हूँ, इसमें से वो कॉपी करता हूँ पूरा बॉयलर प्लेट कोड, वो दिखा भी देता हूँ आपको वो कैसा है वो बॉयलर प्लेट कोड। DB repo और DB repo के अंदर, सॉरी नहीं, index.ts, ये देख रहे हो, ये बॉयलर प्लेट कोड है इतना। इसमें मैंने क्या कमेंट लगाया है, MongoDB कनेक्टेड डिसकनेक्टेड इवेंट्स, ये 4 इवेंट्स होते हैं MongoDB के, ठीक है। अभी वो हमने पढ़ी नहीं, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसी क्लास में। तो ये बॉयलर प्लेट ना मैं अभी तक यहाँ से कॉपी करता हूँ, 2016 में कोड लिखा था ये मैंने, ठीक है। तो एक छोटी सी एप्लीकेशन थी सेल्समैन की, कि भाई एक ऑर्डर करेगा एक रिसीव करेगा रियल टाइम में, उसको बोलेगा भाई ऑर्डर रिसीव हो गया, फिर वो प्रिपेयर करेगा, प्रिपेयर करके डिलीवर करेगा, इस तरह की चीज़ थी। हाँ ठीक है, तो फूड पांडा वैसे भाई दबे उस वक्त था नहीं, बाद में आया नहीं मैंने तो प्रैक्टिस के लिए बनाया था,
पता नहीं कहीं हैकाथॉन वगैरह में था ना कहीं, शायद वहाँ पे बनाया था। अच्छा तो वेल अच्छा, तो ये वाला जो ऊपर का कोड है ना, ये क्या है? बॉयलर प्लेट। मुझे हर दफा अगर लूप पे मुझे एरे के ऊपर मुझे लूप के जरिए आइटरेट करना है, तो मैं हर दफा क्या लिखूंगा? जीरो से इनिशियलाइज करूंगा, क्योंकि है ही जीरो बेस। आई जब तक छोटा रहे लेंथ से ये लिखूंगा, उसको मैं वापस सही कर देता हूँ। ये चेंज तो नहीं होगा ना, ये तो हमेशा वही रहेगा। और आई प्लस प्लस भी मुझे करना है, जाहिर है एरे का जो इंडेक्स है वो नेगेटिव तो होगा नहीं, वो रहेगा पॉजिटिव ही हमेशा। तो ये बॉयलर प्लेट। तो क्या ही अच्छा होता कि ये मुझे लिखना ना पड़ता, मैं बस एरे का नाम बोलता, मैं कहता आइटरेट, आगे जाने दो। तो यही चीज़ दूसरे डेवलपर्स ने भी सोची, और जावास्क्रिप्ट के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको भी ये बात समझ आई है ऑफकोर्स। तो उन्होंने बोला कि यार एक काम करते हैं, कोई मसला नहीं है, इसको रोक दो, कमेंट कर दो, आप ऐसे बोला करो कि टेम एरे का नाम डॉट मैप, ठीक है, और डॉट मैप के बाद ना आपको इसमें एक फंक्शन दे दो आप, ठीक है। फंक्शन अभी पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे बहुत जल्दी। तो फिलहाल इसको आप समझें कि ये फंक्शन नहीं है, इसकी बॉडी है, इसको ऐसे आप समझ लें, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा? ईच आइटम या ईच एलिमेंट कह लो, उसके अलावा इंडेक्स, ये आपको मिला करेगा। कोई कंडीशन वंडीशन नहीं चेक करनी, जितना एरे का लेंथ होगा उतनी बार ये घूमेगा। तो ये बॉडी ना यहाँ से लेके यहाँ तक आप समझो इसकी बॉडी है। इसमें मैंने लगाया कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, कॉन्सोल डॉट लॉग, और मैंने कहा ईच आइटम को क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। तो इस ईच आइटम में मुझे क्या मिलेगा? ये बॉडी इसकी कितनी दफ़ा चलेगी? जितने एरे में आइटम है उतनी दफ़ा चलेगी, और हर दफ़ा जब ये चलेगी तो एक एक आइटम आपको यहाँ पे प्रिंट करते हुए चला जाएगा। आसान हो गया ये। ये जावास्क्रिप्ट के जो डिसीजन मेकर्स थे उन्होंने इस मसले को समझा, उन्होंने बोला भाई बिला वजह इतना बॉयलर प्लेट कोड लिखवा रहे हो बंदों से, ठीक है, कोड का साइज़ ही बढ़ रहा है ना, और क्या हो रहा है, वो तो हमें पता है हर दफ़ा वैसे ही लिखा जाएगा। तो उन्होंने बोला मैप चलाओ। अच्छा, मैप का भी एक डाउन साइड है, ये तो अपसाइड देख लिया ना आपने। मैप के जो है ना दो डाउन साइड्स हैं। नंबर एक, मैप एरे पे ही चल सकता है। मिसाल के तौर पे आपको एरे नहीं है आपके पास, समटाइम ऐसा भी होता है कि आपको एक से लेके दस तक की गिनती प्रिंट करवानी है, जस्ट एरे है ही नहीं। जैसे हमने फाइव की टेबल प्रिंट करवाई थी, हमने कहा यूज़र, आप बोलो यूज़र फाइव की टेबल और 20 दफ़ा प्रिंट है, तो यहाँ तो एरे तो नहीं है। इसको चलाने के लिए एरे की ज़रूरत है, एरे के बगैर ये चलेगा ही मैप, एरे पे ही चलेगा, जिद है इसकी। तो नंबर एक डाउन साइड तो ये हो गया इसका, कि आप ऐसा भी हो सकता था कि आप फाइव लिखें फाइव दफा चले जाए, लेकिन नहीं है। दूसरा डाउन साइड इसका ये है कि इसको अगर ये एक बार चल गया ना, तो इसको आप बीच में रोक नहीं सकते। अगर आपके पास 2000 आइटम हैं एरे के अंदर, तो आप उस पर जब डॉट मैप लगाएंगे तो वो 2000 दफा पूरा चलेगा। उसको आप ये नहीं बोल सकते कि भाई 1665 पे आप रुक जाओ, ये ब्रेक नहीं चलता इसमें, इसमें ब्रेक नहीं है। ये ऐसी गाड़ी है, इसमें ब्रेक नहीं है, बस ये जब फ्यूल ख़त्म होगा जब ही रुकेगी। तो जितना आपने इसको दे दिया ना एरे 2000 आइटम का, तो वो 2000 पूरा करके ही ठंडा होगा ये, उससे पहले इसको आप रुकने का नहीं बोल सकते। तो ये दोनों डाउन साइड इसके हैं, ये दोनों मैंने आपको बता दिए, ठीक है। फॉर लूप का जो डाउन साइड है वो ये है कि बहुत ईजिली ये समटाइम इनफाइनाइट हो जाता है या चलता ही नहीं है। जैसे मैंने ये उल्टा कर दिया ना, चले गए नहीं फिर ये, आप बोलोगे भाई चल क्यों नहीं रहा भाई, फिर वो आप चेंज वेंज करोगे थोड़ा, फिर वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में वो रोकना बड़ा मुश्किल है उसको, ठीक है। ख़ासतौर पर उस वक्त जब आप कोई कॉम्प्लेक्स कोड लिख रहे होते हैं ना, आप होश में नहीं होते, आप पापोश में होते हैं, तो फॉर लूप से फिर आप दूर रहें। जैसे कहते हैं ना ड्रंक ड्राइविंग, तो वो कहते हैं ना कि अगर आप होश में नहीं हैं तो आप ड्राइविंग ना करें, आप गाड़ी से दूर रहें, क्योंकि आप अपनी भी जान ले सकते हैं, किसी और की भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप होश में नहीं है ना, आप पापोश में हैं, तो आप फॉर लूप से दूर रहें, क्योंकि फॉर लूप से आप किसी को उड़ा सकते हैं। तो ये मैप जो है ये सेफ है, लेकिन इसका मसला ये है इसमें ब्रेक नहीं है। अच्छा, अब इस मैप चलाते हुए अगर मुझे इस एरे को, ये तो मैंने रीड कर लिया, अभी प्रिंट करवा दिया मैंने, अच्छा आई में ना इंडेक्स भी मिल रहा है भाई इधर, ठीक है, ये आई देख रहे हो, ये आई में इसमें इंडेक्स भी मिल रहा है। अगर मैं आई को प्रिंट करवाऊंगा ना, मैंने कहा आई प्रिंट करो, उसके बाद कॉमा डाल के ना ईच आइटम करो, तो क्या लिखा आएगा? पहले जीरो, यानी जो भी इंडेक्स है उसके आगे वो एलिमेंट, देखते हैं चला के उसको, ठीक है। देखो इंडेक्स भी मिल रहा है मुझे, जैसे उसमें मिलता था, और वैल्यू भी मिल रही है।
तो यही दोनों चीज़ें तो चाहिए होती हैं ना, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे उसको चेंज करवाना है तो मैं क्या लिखूँगा, मैं बोलूँगा कि टेम्प का इंडेक्स आई जो है उसको क्या कर दो, कुछ भी चेंज, मैंने कहा भाई उसमें रखवा दो आप कैट, ठीक है, उसमें आप क्या रखवा दो कैट। तो जब ये मैप चल के पूरा ख़त्म होगा तो सब में कैट हो चुका होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे प्रिंट ये कैट इसने नहीं किया क्योंकि ये शुरू कर चुका था, ब्रेक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आप बीच में चेंज करेंगे ना ये मैप चलने के बाद तो ये चेंज हो चुका होगा, लेकिन आपको वो बीच में मिलेगा नहीं चेंज ना। अच्छा, क्या लिखवाना था मैंने, हार्ड टाइम, ठीक है। ये नीचे वाले कॉन्सोल में पूरा आपको चेंज हुआ हुआ मिलेगा ये, ठीक है। नीचे वाले में सब में कैट कैट हो चुका है, लेकिन चूंकि ये चल चुका था, शुरू हो चुका था, तो उसमें आपको वही मिला जो ओरिजिनल वैल्यू थी। नहीं, ऊपर जो कन्वर्जन की थी वो तो लूप खत्म होने के बाद आपको कन्वर्जन चाहिए ना, तो लूप खत्म होने के बाद तो ये सही मिल रहा है आपको। नहीं, अच्छा चलो ईच आइटम को यूज ही ना करो आप, ऐसे कर लो, मतलब आप डायरेक्ट उसको एक्सेस कर लो, ऐसा ही हो, ये अब आपको चेंज हुआ मिलेगा, वो ईच आइटम में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ऐसे मतलब ये भी बॉयलर प्लेट ये कि आप आई करके लिख रहे हो तो थोड़ा ऐसे करके भी आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। अब आपको चेंज हुआ मिलेगा, देखो 6 दफ़ा कैट प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ईच आइटम आप यूज़ करोगे तो फिर आपको वही मिलेगी ओरिजिनल वाली, डायरेक्ट एक्सेस कर लो, इंडेक्स तो मिल ही रहा है आपको, ऐसे भी कर सकते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इसके अंदर। अच्छा, इसमें रिटर्न एक वैल्यू को चेंज करने का एक तरीका इसमें रिटर्न कॉल करके भी है, ठीक है। अच्छा, तो वो रिटर्न क्या कर रहा होता है वो भी थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। वो फॉरन हाइट वाला ना, वो फॉर्मूला उठा लेता हूँ मैं यहाँ से। हाँ बोलो, एक से ज़्यादा एरे क्या मतलब, हाँ तो जितने एरे होंगे उतनी दफ़ा ये कोड आप लिखोगे अलग अलग। टेम्प के नाम से जो वेरिएबल होगा उसी को करेगा, आपका सवाल में शायद समझ नहीं पाया। ये बहुत अच्छा तुमने सवाल पूछा, ये कह रहा है कि भाई अगर मेरे पास दो है, एक टेम्प है और एक फ्रेंड्स है, दो है, ठीक है, एक सब्जेक्ट्स है, तो मैं एक लगाता हूँ टेम्प डॉट मैप और फिर इसी के नीचे मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ सब्जेक्ट पे भी डॉट मैप लगाओ। ये दो एरे हैं ना मेरे पास, सब्जेक्ट में एस, सब्जेक्ट्स, ठीक है, टेम्प बाय द वे एस होता है, मैंने अभी चलो एस लगा देता हूँ मैं इसमें, ठीक है, एस होता है एरे के नाम के साथ, एस होता है हमेशा, ये उसका कन्वेंशन है। अच्छा, तो अब ये कह रहा है कि भाई ईच आइटम में कौन सा मिलेगा, क्या सब्जेक्ट के आइटम मिलेंगे या टेम्प का मिलेगा। तो भाई ये वाला जब चल रहा होगा ना तो इसके ईच आइटम में टेम्परेचर के आइटम्स मिल रहे होंगे, और जब ये वाला रन होगा ना तो इसके ईच आइटम में सब्जेक्ट्स रन होंगे। ये लोकल वेरिएबल है, ये भी लोकल वेरिएबल है, ये इसी के अंदर ही मिलेगा, इसके बाहर मिलेगा भी नहीं, तो दोनों के अंदर अपने अपने मिलेंगे ईच आइटम, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ये नहीं करेगा। अच्छा, तो मैं क्या करने लगा था, हाँ वो टेम्परेचर वाला फार्मूला ना उठा लेता हूँ मैं। एक तो ये मैंने हाथ से चेंज कर दिया ना बीच में ही, इसको मैप के जरिए चेंज करने का एक और भी सोफिस्टिकेटेड तरीका एक है, वो क्या है कि मैं क्या करूँगा, लास्ट में ना रिटर्न कॉल करूँगा, ठीक है। अच्छा, रिटर्न जब मैंने लिख दिया तो मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं करता हूँ इसको ईच आइटम रिटर्न करता हूँ, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा, अच्छा ये ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करेगा भाई, ये रिटर्न जो है ना ये ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता, ये एक नया एरे बना के रिटर्न करता है, ओरिजिनल अपनी जगह पे रहेगा। तो ये पूरा का पूरा मैप जो है ना क्या हो जाएगा, खुद गायब हो जाएगा और इसकी जगह वो नया एरे आ जाएगा, ठीक है। वो नया एरे बनेगा किस बेस पे, कि क्या रिटर्न कर रहा हूँ मैं। अगर मैंने ईच आइटम जो मुझे मिला था एज इट इज़ रिटर्न कर दिया तो क्या होगा, बिल्कुल एज इट इज़ सेम एक दूसरा एरे बन के मिलेगा मुझे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा टेम्प कॉपी इक्वल्स टू दिस, हमने देखा था ना एरे क्लोनिंग, तो ये काइंड ऑफ हम क्लोनिंग कर रहे हैं उसकी। मैंने टेम्प कॉपी लिखा और ये जो मैप चलेगा ना पूरा का पूरा, ये जितनी चीज़ मैंने सेलेक्ट की हुई है ये पूरी चीज़ गायब होगी और इसकी जगह एक एरे आएगा जो कि नया कंस्ट्रक्टेड एरे होगा, उसका पुराने एरे से कोई ताल्लुक नहीं होगा।
ठीक है, उसकी जो ईच वैल्यू है उस एरे की, वो कैसे डिसाइड हो रही है, वो यहाँ से डिसाइड हो रही है। अच्छा, तो मैंने बोला नहीं यार मुझे एग्जैक्टली सेम नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा चेंज, मैंने कहा भाई मल्टीप्लाई बाई टू। तो अब जो ये पूरा एरे रिटर्न होगा यहाँ से, उसमें क्या होगा, वो हर इंडेक्स ना उसका चेंज हुआ हुआ होगा। पहले इंडेक्स क्या होगा, जो भी पहले वाले में था उससे दो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने कहा चलो यार ये ना सेंटीग्रेड बना देता हूँ, फॉरेनहाइट की स्पेलिंग मुझे नहीं पता भाई, गूगल कर लेते हैं, ये है फॉरेनहाइट की सही स्पेलिंग, ठीक है। मैंने कहा फॉरेनहाइट बना रहा हूँ मैं, अभी वो टेम्परेचर था ना सेंटीग्रेड में था, अब फॉरेनहाइट्स बना रहा हूँ। तो फॉरेनहाइट्स में मुझे क्या करना है कि जो भी आइटम था उसको मल्टीप्लाई करना है 1.8 से, ठीक है, और उसको 32 इसके अंदर ऐड कर देना, ठीक है, ये मैं रखना चाह रहा हूँ उसके हर आइटम के ऊपर। तो प्रॉपर जो तरीका है मैप के ज़रिए किसी एरे को चेंज करवाने का, वो ये कि भाई ओरिजिनल एरे को छेड़छाड़ ना की जाए, एक नया एरे कंस्ट्रक्ट किया जाए, किस बेस पे कि जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होती है। अच्छा, ये पहली बार ये लूप चला, एरे ये मैप चला, ईच आइटम में मुझे क्या मिला देख लेते हैं क्या है, 28 मिला मुझे। अच्छा, तो 28 को मल्टीप्लाई वगैरह करके जो भी फॉरेनहाइट बनता है वो यहाँ से रिटर्न हो गया पहली दफ़ा में। तो जो नया कंस्ट्रक्ट होने वाला एरिया ना, उसका पहला इंडेक्स ये वाला होगा जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है, अगली दफ़ा में फिर वो, तो इसी तरह पूरे 6 के 6 बनेंगे। तो हम देख लेते हैं ज़रा कि भाई टेम्प के साथ साथ ना फॉरेनहाइट को भी ज़रा प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल एरे को ये रिटर्न करने से चेंज नहीं करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, ये बाद में आपके काम आएगी, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। और फॉरेन हाइट के नाम से एक नया एरे बन के मिलेगा जिसका पुराने वाले से कोई ताल्लुक नहीं होगा। कट किया मैंने, रिफ्रेश किया, क्या हुआ भाई, टेम्प इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, टेम्प में ऐसा लगा दिया था मैंने, चलो एक ही बात है। अच्छा, वैसे टेम्प के साथ ऐसा लग के लग रहा बहुत ही वाहियात है ये, टेम्प्स क्या होता है भाई, ठीक है। अच्छा देखो, ये टैम्प इसके साथ नाम भी लिख देता हूँ ना, मैं इसके साथ मैं नाम भी लिख देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वाला क्या है। ठीक है, दोनों के साथ मैंने इसका नाम लिख दिया, एक टैम्प है, एक फॉरेनहाइट है। अच्छा, टैम्प्स में क्या प्रिंट हुआ, जो ओरिजिनली था वही रहा, चेंज नहीं हुआ, और फॉरेनहाइट के नाम से एक नया एरे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया मेरे पास, ठीक है। और ये तो लूप चलाने के दौरान जो मैंने प्रिंट किया था ये वो है, इसको छोड़ दो। मैप समझ में आ गया कैसे काम करता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है, एक छोटा सा असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ जो अभी अभी आपने करना है, ठीक है। नमाज कितने बजे ईशा की भाई, 8:30 है, तो मेरा ख्याल है कि अभी 7:50 हो रहा है, 40 मिनट्स आइए, 40 मिनट्स तो फिर बहुत ज़्यादा होंगे शायद, 20 मिनट का टास्क हम रखते हैं। ऐसे आपने टेम्परेचर बनाना है लंबा सारा, ठीक है, मे बी 24 इंडेक्सेस का मे बी। उसमें से आपने 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है लूप चला के, चाहे वो मैप के ज़रिए चलाएं चाहे फॉर लूप के ज़रिए चलाएं, डिपेंड्स ऑन यू, जो आपको अच्छा लग रहा है। 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, नंबर 1 मैक्सिमम जो है उन तमाम में से, जो मैक्सिमम कितना गया है, मिनिमम कितना गया है, ठीक है, मतलब कौन से वाला इंडेक्स जो मिनिमम, कौन सा वाला इंडेक्स मैक्सिमम है। अच्छा, और क्या फाइंड आउट किया जा सकता है इसमें से, एवरेज क्या है, ठीक है, और अच्छा, और हमें ये देखना है, हाँ ये बड़ी अच्छी बात है, हम एक थ्रेशोल्ड सेट कर लेते हैं कि कितने डिग्री पे ना गर्मी है। मैंने कहा यार ये आपके ना जो 26 जो है ना वो गर्मी का थ्रेशोल्ड है, तो हाउ मैनी जो है वो अबव और बिलो द थ्रेशोल्ड है,
कि कितने जो है कितने इंडेक्सेस ये 26 से ऊपर के हैं और कितने इंडेक्सेस 26 से नीचे के, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि हाउ मच टाइम जो है यहाँ पे गर्मी रही है और हाउ मच टाइम जो है वो सर्दी रही है। मिसाल के तौर पर दिन का कितना हिस्सा गर्म रहा है, कितना हिस्सा ठंडा रहा है इस थ्रेशोल्ड से नीचे ऊपर। तो ये हम चार चीज़ फाइंड आउट करते हैं। और आप क्या करेंगे, अच्छा अभी तो फिलहाल ये वाला जो टेम्परेचर है ये हम क्या कर रहे हैं, हम फर्जी अभी बना रहे हैं। और बहुत जल्दी हम क्या करेंगे, एक वेदर की एक API कॉल करेंगे, हम इंटरनेट से हम लाइव वेदर का डेटा फैच करके रखेंगे। तो फिर ये ना इसको हम उससे रिप्लेस कर देंगे। अच्छा वो क्या करेगा, वो मुझे पिछले 4-5 दिन का पूरा फोरकास्ट, अगले 4-5 दिन का फोरकास्ट लाने देगा, ठीक है। आज के दिन का पूरा सुबह से शाम तक का मुझे वो बता देगा कि कब कितना टेम्परेचर रहा है। तो फिर हम उसको रियल डेटा से रिप्लेस कर देंगे। अभी तो हमारा फर्जी डेटा होगा, 24 इंडेक्सेस बना लिए मैंने, रैंडमली मैंने नंबर्स टाइप कर दिए। अच्छा आपके कोड में जो क्वालिटी होनी चाहिए कोड की, ठीक है, कि एरे की लेंथ अगर कम या ज़्यादा होती है तो आपका कोड ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आंसर ज़ाहिर है अगर बिल्कुल मैं ज़ीरो कर दूँ तो हर चीज़ ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन कोड आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर एरे की मैं लेंथ कम या ज़्यादा करूँ तो आपका कोड ब्रेक ना हो। और ये चार चीज़ें हम फाइंड आउट करके बता दें। अब आप इसको मैप से करें, लूप से करें, बगैर लूप के भी कर दें, जैसे भी करते हैं आप इसको, ठीक है। बस क्वालिटी ये होनी चाहिए कि अगर मैं एरे का साइज़ कम या ज़्यादा करूँ तो आपका कोड सही चले उसमें भी। ये मैंने बताया कि थ्रेशोल्ड एक्साइट किया है 26, तो 26 से कम कितने टाइम रहा है और ज़्यादा कितने टाइम रहा है, हाउ मेनी परसेंटेज जो है वो, जैसे 24 है ना एक दिन का, ये एक दिन के ये वो है टेम्परेचर्स। तो आप ऐसे बोलेंगे कि जो पूरा दिन है या पूरा जो मेरे पास डेटा है इसमें 25% जो है वो अबव थ्रेशोल्ड है और बाकी का जो है बिलो थ्रेशोल्ड है। आपको ये जस्ट फाइंड आउट करना। नहीं, API तो होता है कोई क्लाउड का सर्वर, जो जैसे वेदर जो होता है ना, वेदर के डिफरेंट चैनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं पूरी दुनिया में उन्होंने अपने वेदर स्टेशंस लगाए हुए होते हैं और वो रियल डेटा कलेक्ट करके अपने पास जमा कर रहे होते हैं एक डेटाबेस में। हम क्या करते हैं, उनको थोड़े से पैसे देते हैं और उनसे वो डेटा ले लेते हैं। हम कहते हैं यार थोड़े से पैसे ले लो हमसे और ये डेटा में दे दो। तो उनके सर्वर पर हम API हिट करते हैं, इस API में JSON में वो पूरा डेटा मिल जाता है। अच्छा हमारे पास फ्री भी API कुछ मौजूद है जो थोड़ा सा ना फ्री डेटा भी देती हैं, तो हम वो वाली यूज़ करेंगे, हम पैसों वाली यूज़ नहीं करेंगे।